कानपुर में नमामि गंगे पर बैठक के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ किया गंगा का निरीक्षण। उत्तराखंड के सीएम रावत ने की गंगा की सैर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, मेरा नाम राहुल गांधी, मैं मर जाऊंगा पर माफी नहीं मांगूंगा। भारत बचाओ रैली में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सोनिया का बीजेपी परिवार, कहा, देश की हालत खराब, घरों से निकलिए और आंदोलन कीजिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोली प्रियंका गांधी, कहा, यह देश एक आंदोलन से उभरा, बीजेपी के 6 सालों के राज के बाद पाताल पर जीडीपी। दिल्ली चुनाव में बने आपके रणनीतिकार, केजरीवाल के लिए रणनीति बनाएंगे प्रशांत किशोर। कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा के लिए होंगे चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल लाइव में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। बेरोजगारी और संविधान पर हमले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। कहा कि इतने छोटे मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरी ने कैसे खड़े कर दिए। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता, देश के लिए अपनी जान देने से नहीं डरता। उन लोगों ने मुझे कहा है कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगू। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं मर जाऊंगा पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए, मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, अमित शाह को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी है ये बताने आया हूँ। इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति, इसकी अर्थव्यवस्था थी। पूरी दुनिया देखती थी कि इंडिया में क्या हो रहा है। दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया था और आज ये प्याज पकड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी है। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था है नहीं, थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया। चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज। 200 रुपए, 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। सोनिया गांधी ने कहा है कि आप हम सब इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि काफ़ी समय से देश की हालत बहुत गंभीर हो गई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरों से बाहर निकलें और इसके खिलाफ आंदोलन करें। आज वही वक्त आ गया है कि देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। आज हमारे युवा इस तरह की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं जैसा दशकों में नहीं हुआ। लगी लगाई नौकरियां जा रही हैं, उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महिलाओं के ऊपर जो जुर्म आज हो रहा है उसको देखकर हमारा सिर झुक जाता है। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ चले गए, अर्थव्यवस्था क्यों तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी शाह को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो नागरिकता कानून लाए हैं वो भारत की आत्मा को तार तार कर देगा। लगी लगाई नौकरियां भी उनके हाथ से जा रही है, उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हम युवाओं के भविष्य के लिए कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। आज जब मैं अपने अन्नदाता किसान भाइयों की दशा को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है।
उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने खेतों के लिए सही समय पर बीज नहीं मिलता, आसानी से खाद नहीं मिलती, पानी बिजली की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती। इतनी सब कठिनाइयों के बावजूद फसल के उचित दाम भी नहीं मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों हमें बताइए कि अपने किसान भाई बहनों के लिए संघर्ष करने को हम तैयार है कि नहीं। हमारे कामगार भाई बहन दिन रात मजदूरी में लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं, फिर भी उन्हें दो समय की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। बताइए हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो वही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले हैं, मोदी के सारे वादे झूठे थे। आज से तकरीबन 6 साल पहले मोदी जी ने देश की जनता को बड़े बड़े स्वजवाग दिखाए थे। उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो 2024 तक देश की राष्ट्रीय आमदनी तो $5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। किसानों से वादा किया था कि उनकी आमदनी 5 साल में दोगुनी कर दी जाएगी। नौजवानों से वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार मुहैया कराएंगे। अब तो ये साबित हो गया है कि वो सारे वादे झूठे थे और देश की जनता को गुमराह करने के लिए जो वादे किए गए उसको पूरा करने में नाकाम रहे। भाइयों बहनों, अब तो ये साबित हो गया कि वादे सब झूठे थे और देश की जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने जो भी वादे किए उसको पूरा करने में बिल्कुल नाकाम रहे। हमारा फर्ज बनना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी वही प्रियंका गांधी ने रामलीला मैदान में रैली में अपने भाषण की शुरुआत मेरे नेता राहुल गांधी से की। प्रियंका ने कहा कि देश एक आंदोलन से उभरा है, बीजेपी के 6 सालों के राज के बाद जीडीपी पड़ताल पर है, छोटा व्यापारी नाखुश है, बीजेपी है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट हैं, फिर भी हर बस स्टॉप पर इश्तेहार में मोदी मुमकिन है, बीजेपी है 100 रुपये प्याज मुमकिन है, 4 करोड़ नौकरी नष्ट होना मुमकिन है, 15,000 किसानों की आत्महत्या मुमकिन है, बीजेपी है जो कानून देश के खिलाफ है मुमकिन है, बीजेपी है तो हमारे पीएसयू का बिकना मुमकिन है। दरअसल कांग्रेस पार्टी आर्थिक मंदी, किसान विरोधी नीतियों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बेरोजगारी और संविधान पर हमले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करी गई। इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा, हर जिले से आप मेरी बहनों, हर हिंदुस्तानी को समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान देने वाला लोकतंत्र, लोकतंत्र की शक्ति देने वाला है ये देश। हमें इस देश को बचाना है क्योंकि आज इस भारत में एक ऐसी सरकार और विचारधारा का साया छाया है जिसके जरिए न समानता का अधिकार बचा है, न एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भविष्य का। कुछ सालों पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ रही थी। अशोक गहलोत ने कहा है कि भारत बचाओ का नाम क्यों रखा गया, यह मैसेज देता है कि देश में क्या हो रहा है। पूरा देश चिंतित है, भय का माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है। चुनाव हारना एक अलग बात है, राष्ट्रवाद की बात की जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए पर कभी उस पर राजनीति नहीं की। मोदी जी सेना के पीछे छिपकर राजनीति करना चाहते हैं। आज बीजेपी राज नहीं कर रही है, इस देश में आरएसएस राज कर रहा है। आरएसएस में दम है तो खुद को राजनीतिक दल घोषित करें। आप यहां से संदेश लेकर जाएं और देश को बचाने की बात करें। आ
आप सोच सकते हैं भारत बचाओ का नाम क्यों रखा गया। ये मैसेज देता है देश की दिशा में जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरा देश चिंतित है, भय का माहौल है, गुंडागिर्दी का माहौल है, हिंसा का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। और यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था सामाजिक ताना बाना नष्ट हो गया है, इसलिए जीडीपी गिर रही है। आप सोच सकते हो, एक तरफ चुनाव हारना अलग बात है, राहुल गांधी ने जो कैंपेन किया था, मुद्दा आधारित कैंपेन किया था, किसानों के मुद्दे थे, नौजवानों की रोजगारी के मुद्दे थे, नौकरी लग नहीं रही, नौकरी जा रही है, मजदूर बर्बाद हो रहा है, काम धंधे ठप हो रहे हैं, राफेल का मुद्दा था, 126 प्लेन की मांग थी देश को, 36 में क्यों लाया गया, 500 का हवाई जहाज 1,600 करोड़ में क्यों खरीदा जा रहा है। आज वो मुद्दे जीवित है देश के अंदर, चुनाव में हार जीत कैसे हुई है सबको मालूम है। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की बात की गई, क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए राष्ट्रवादी नहीं है? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बीजेपी से हम लोगों को, सोच लीजिए आप लोग। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि आपका जोश उत्साह देख मेरा खून 250 ग्राम बढ़ा है। आजादी से लेकर समय समय पर कांग्रेस ने देश को संदेश दिया है, आज की रैली देश को फिर एक संदेश देगी। आज की रैली भारत की तस्वीर है। आज सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों के भविष्य की है। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका या काम चाहता है, किसान न्याय मांगता है। मोदी जी अब नौजवान की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, अब मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता, वे व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये चित्र आप सबके सामने है। और पिछले सालों में अपने देश में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। ये तस्वीर आप सबके सामने है, देश के नौजवानों के सामने है। हमारा किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मृत्यु कर्जे में होती है, आज अपना दुखी किसान भटक रहा है। न्याय, न्याय क्या मांगता है किसान? केवल न्याय मांगता है, सही मूल्य मांगता है। हैदराबाद और उन्नाव कांड से अभी देश उभर भी नहीं पाया था कि अलीगढ़ में एक और बड़ी घटना सामने आ गई। यहाँपुर से अफत किशोरी को गाजियाबाद के दो युवक लग्जरी कार में एक महीने तक घुमाते रहे। गाजियाबाद, आगरा और अलीगढ़ के अतरौली के होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। मंगलवार की देर रात को रिश्तेदार के घर जिले के कस्बा जमां ले गए। यहां पर दुराचार को अंजाम दिया गया। शक होने पर ग्रामीणों ने दोनों को दबोच लिया। इनकी जमकर पिटाई की गई, कार में भी तोड़फोड़ कर दी गई। दो घंटे तक हंगामा रहा। इसमें शामिल 50 ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। हापुड़ पुलिस किशोरी और दोनों युवकों को अपने साथ ले गई है, क्योंकि वहां अपहरण का मुकदमा पंजीकृत है। वहीं एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने मामले पर विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा है कि हापुड़ में किडनैपिंग का मामला दर्ज है, दूसरा मुकदमा अलीगढ़ में भी दर्ज कराया गया है। जो एक सूचना मिली थी 112 पर, वो पुलिस वहाँ जमा में गई थी। वहाँ दो लड़के और एक जो लड़की थी उसको पुलिस ले आई थी। उन लड़कों को वहाँ से लाने में कुछ लोगों ने वहाँ पर वो पुलिस के साथ में भी कुछ उन्होंने करने का प्रयास किया, और जो वो लड़के थे उनके साथ ही मारने पीटने का प्रयास किया था। उसके संबंध में थाना जमा पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो लड़की वहाँ पर थी और दो लड़के थे, उसके संबंध में पता चला कि हापुड़ कोतवाली में मुकदमा लिखा गया 366 का। तो हापुड़ कोतवाली को इतला कर दी गई थी। उस इतला पर हापुड़ कोतवाली के जो विवेचक हैं वो वहाँ आए, कल आए थे, आ करके उन लड़की को और दोनों लड़के को वह अपने वहाँ ले गए हैं। जो उनके वहाँ उसकी प्रक्रिया है वो उसके हिसाब से
वो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उसके संबंध में जो मुकदमा संख्या 762/19 है, ये हापुड़ कोतवाली नगर में 363-366 का, जो दो लड़के के खिलाफ में है, और एक लड़की के, जो लड़की आई थी तो उसके भगाने के संबंध में मुकदमा लिखा गया है। वो वहाँ के आईओ आए थे और आईओ वहाँ से उनको ले गए हैं। बाकी जो विवेचनात्मक प्रक्रिया और विधिक प्रक्रिया है हापुड़ कोतवाली के आईओ द्वारा। तो एक खबर मध्य प्रदेश से है। बीते दिनों पहले दतिया हड़ा पहाड़ निवासी संतोष पाल नामक युवक की हत्या, शराब पीते समय उसी के दो दोस्तों ने हत्या कर लाश को लाला के ताल में फेंक दिया। पहले यह मामला खुदकुशी का लग रहा था, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह डांगी के जरिए कम समय में न ही केस को सुलझा लिया गया, बल्कि दोषी को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया गया। दरअसल दतिया कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई से 7 मोटरसाइकिल सहित 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। दतिया कोतवाली पुलिस ने 7 बाइक सहित 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए। पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती और SDOP के नेतृत्व में कोतवाली TI योगेंद्र सिंह डांगी और उप निरीक्षक विजय लोधी, आरक्षक शिव कुमार, आरक्षक सोनपाल, आरक्षक राहुल बोधद, आरक्षक पुष्पेंद्र सैनिक, अखिलेश यादव की सराहनीय भूमिका रही। उच्च अधिकारी कर्मचारी को पुलिस अधीक्षक महोदय के जरिए उचित इनाम देने की घोषणा की गई। मुस्तैदी के साथ काम करने और तुरंत कार्रवाई को देखते हुए आज मुरैना पधारे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन के जरिए थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह डांगी को पुरस्कृत किया गया। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।